अच्छा इनमें तो भाजपा कांग्रेस वाले होते जाट जो है मतलब खाए पी रहे बस खाए रहे पी रहे मौज कर रहे जिसने घरों दस्ती भी नहीं मिला तो अंग्रेजी पी रहे हाँ जी देख लीजिएगा सामने ना। और हमारे समाज के एक नेता बैठी वहाँ कुमारी शैलजा जी उसका इतना अपमान करा जा रहा है तो क्या हो क्या हमारा दलित समाज चला जाएगा उनके पास बिल्कुल भी नहीं जा सकता कांग्रेस चंद्रशेखर मायावती की जड़ काट रहा बिल्कुल जड़ काट रहा जो समाज की गिल्लो ये तो नहीं कहा था मैं कोई पार्टी नहीं बनाने का और राहुल गांधी ने तो जाकर अमरीका में नहीं कहा हम तो आरक्षण ही खत्म कर देंगे ये तो स्पष्ट उनकी नियत का पता ही लग गया सारे समाज ने कहा। नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय जगाधरी में मैं मौजूद हूँ और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ लोग इस समय मेरे पास बैठे हुए हैं और जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ की बड़ी घनी छाया है। हम भी यहाँ छाया देखकर बैठ गए और ये लोग भी शायद छाया की वजह से यहाँ पर बैठे हुए तो यही बात है या कुछ और है। अब ऐसा है ना गर्मी का मौसम है हाँ। घंटा डेढ़ घंटा आराम कर ले अच्छा। उसके बाद फिर प्रचार में जाएंगे। अच्छा प्रचार करने वाले थे हम। हाँ जी प्रचार हम तो प्रचार करेंगे। अच्छा हाँ जी तो यहाँ जगाधरी में क्या माहौल है भाजपा जीत रही नहीं बाला गोली भाजपा का ला कहाँ जी कहाँ ये इसने क्या काम करा भाजपा का नॉन अलेवर। अच्छा हाँ भाजपा का नॉन अलेवर कांग्रेस का लू। अरे कांग्रेस उसका बाप कांग्रेस भाजपा की बाप उसका बाप। अच्छा अच्छा आम आदमी पार्टी के समर्थक हो बस यो तो आम आदमी ना तो छोड़ दे यो तो फिर जा ना थम भाजपा के आदमी ना थम कांग्रेस के आदमी ना थम आम आदमी पार्टी के आदमी बस अरे टक्कर इन तीनों में ही है फिर थम आदमी किसके नहीं आम आदमी हम तो प्रचार कर रहे हम तो आदमी देख का कर रहे इन चारों कैंडिडेटों में दर्शन सिंह खेड़ा जो है वो बहुत शरीफ आदमी है मिलन सिलन आदमी है जो नगर पालिका का जगाधरी का चेयरमैन भी रहे हैं और जो इस पर काम चला गया ना आदमी इसने किसी को जवाब नहीं दिया। अच्छा हम बसपा ही ने लोग गठबंधन वाले की बात कर रहे क्या इसी की कर रहे हम तो। अच्छा तो किस राफत कर का ऐसी समाज से हो नहीं जाट समाज से। हाँ जी जाट समाज से हो। हाँ जी मतलब जाट का और अच्छा इनेलो की वजह से हो आप नहीं इनेलो की ला लो तो मतलब किस राफत ला लो ये बहुत शरीफ आदमी है इसके घर चला जाना जी ये चाना पूछा का पानी ने पूछा का अगर रास्ते में मिल जाते रास्ते में इसका काम था नगर पालिका जज थी ना तो रास्ते में मिल जाता ना और कोई साइन करवाना होते तो रास्ते में साइन कर देता घर निकाल ब्रान होना जैसे अच्छा, इसका तो व्यवहार बढ़िया है तो ये जो उनसे और सुना और इनका व्यवहार घटिया इनका इनका जी अक्रम उसके ऊपर और यो कंवरपाल इसके ऊपर। अरे यहाँ तो बसपा का तो रोग जो है वो आजाद समाजवादी पार्टी वाला मर रहा वो चंद्रशेखर आजाद उसका पल्ला कुछ नहीं आया वो तो खड़ा कर रखा बस पैसे पुसे से देख खड़े कर रखा तो सारा नहीं कुछ कुछ भी नहीं है उसके अपने समाज जो है ना उसका समाज है ना वो भी उसको वोट नहीं कर रहा वो कश्यप समाज से है वो भी सारा का सारा जो है ना किसी और समाज को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा किसी और पार्टी को उसका अपना समाज भी उसके साथ नहीं है मतलब आजाद समाज पार्टी का कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है जीरो है जी चंद्रशेखर जीरो जीरो बिल्कुल जीरो को तही थे वो तो बस यूपी में अभी जो है ना पता नहीं किस तरह जीत गए वो एक सीट किस हिसाब से वो तो मना पता नहीं क्या होया क्या कुछ नहीं लेकिन जीरो वो तो कतई थे कुछ भी नहीं है यहाँ उसका कैसी बात आप कर रहे जीरो तो बसपा है कहाँ यूपी में सीट बसपा की जीती कोई सी सीट और आजाद समाज पार्टी जो है लोकसभा का वो चंद्रशेखर आजाद में पहली सीट जीत गया पहली सीट तो जानबूझ का जितवाई गई वो तो ना कांग्रेस ना अखिलेश ना मिलकर जो है ना उसको जितवाई दिया भी बसपा को की जड़ काटी जा किसी तरह भी मायावती को कमजोर कराया जा थोड़ा बहुत ये जो है ना जानबूझ का साजिश रची गई कुछ नहीं है उसका बिल्कुल जीरो है लोगों ने उसकी सच्चाई को पता लग गया भी क्या है क्या नहीं है। हमारी जो कैंडिडेट है ना वो मायावती थी और जो साहब कांसी राम ने एक बात कही थी भी बहुजन नायक थे ना बहुजन नायक के नाम से जाना जा उन भी बहुजन नायक जो थे ना उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था मेरी पार्टी सिर्फ एक है वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता बहन कुमारी मायावती जी को ही उन्होंने अपना अपना सारा कुछ वो नहीं पार्टी लियो फिर जाओ जो है मायावती जी वोट नहीं कोई देने का तो फिर कौन जो है टिकट लेकर कौन जो है चुनाव जीतेगा आजाद समाज पार्टी के साथ तो वोट है बताओ आप जो है वोट है नहीं क्या वोट है तो जब तो आजाद समाज पार्टी चुनाव जीतगी चंद्रशेखर। अरे वो सारे छोकरों तो बढ़वा का मार दिए इन्होंने जहाँ रविदास मंदिर होया वहां से दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद वाले में उसमें सारे छोकरू जेलों में करवाए दिए उनकी जमानत तक नहीं करवा सके ने जानबूझ को उन्होंने समाज को के छोकरू पटवा दिया अपने आप तो उन्हें बाहर लिकट गया आज भी उन पर
केस चल रहे छोकरों पर, मैं आज भी परेशान है जो उनसे छोकरों निकी गेलो लगे थे, मैं उन्हें कह रहे हम तो जन देने बिल्कुल भी निकी गेलो, ये तो पटवा पटवा का मार देगा, कुछ नहीं है इसके पल्ला का। चंद्रशेखर मायावती की जड़ काट रहा, जड़ काट रहा, बिल्कुल जड़ काट रहा, जो समाज की गेलो, ये तो नहीं कहा था मैं कोई पार्टी नहीं बनाने का, उसी टाइम की बात है, इसने यह बात कही थी, बोलिया भाई मैं पूरी जिंदगी कोई पार्टी नहीं बनाने का, आज ही अपनी अपने लालच के बस अपनी पार्टी बनाकर खड़े गया, क्या लालच है इसका, या किसी ना जबरदस्ती खड़ा कराया दूसरी पार्टी वाले ना, वो तो यही बता सका भी क्या क्या सिस्टम है इसका। आप एक बात बताओ, दलित मायावती जी को क्यों वोट करेगा, जब उत्पीड़न दलितों का हो तो वहां तो चंद्रशेखर आजाद जा, तो फिर मायावती जी जो है बस मुख्यमंत्री बनगी तो बस इसी बात को जो है लेकर दलित जो है उसके बारे में सोचो जा, हर बार बस उसे वोट दियो जा, भाई दलितों का जो है मान सम्मान भी तो रखना पड़ेगा, उनके लिए संघर्ष भी तो करना पड़ेगा। चंद्रशेखर ने तो अभी पार्लियामेंट में चमार रेजिमेंट की भी मांग करी कि भाई ये चमार रेजिमेंट बहाल करी जा। ऐसा है जी, यह पार्टी शुरू से बहुजन समाज पार्टी शुरू से दलितों के हित में कह दिया ही, उनके बारे में बहन मायावती ने तो अब संसद के अंदर अपना इस्तीफा फाड़ के फेंक दिया था अपने हितों के, अपने समाज के वास्ता, और जोन से भी आज तक चाहे वो क्रीमी लेयर की बात हो, चाहे थोड़े दिन पहले आरक्षण का मुद्दा आया क्रीमी लेयर का, सबसे पहला ट्वीट बहन मायावती जी का आया उसके पक्ष में, बहन मायावती जी सबसे पहले हर जगह हमारे समाज के वास्ता, दलित समाज के वास्ता और SC BC के वास्ता सबसे पहले आवाज उठाती है वो। खेड़ा किस तरीके से चुनाव जीतेंगे, यहाँ तो ये कहा जा रहा है भाई जो दलित समाज का वोट है वो भी कांग्रेस पे जा रहा, दलित राम खान पे जा रहा। ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं ऐसा है जी, दलित समाज पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन में चला गया था कांग्रेस पा, वो भी झूठ बोल गले जुए थे, कहा जी हम आपके संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, और राहुल गांधी ने तो जाकर अमरीका में नहीं कहा, कहा हम तो आरक्षण ही खत्म कर देंगे, ये तो स्पष्ट उनकी नियत का पता ही लग गया सारे समाज ने, कहाँ चले जाएगा हमारा समाज कोई, और हमारे समाज की एक नेता बैठी वहाँ कुमारी शैलजा जी, उसका इतना अपमान कराया जा रहा है, तो क्या हो क्या हमारा दलित समाज चले जाएगा उनके पास, बिल्कुल भी नहीं जा सकता कांग्रेस पर। शैलजा का अपमान कर रहे, हाँ शैलजा थे बुरा भला कहा गया, बहुत बुरा भला कहा गया, आज देख लो उड्डा की सोचा है, अभी जो शैलजा के कैंडिडेट है ना उनको रवाया जा किसी तरह, अंदर खाते यहाँ तक का हिसाब किताब है उनका, तो अकरम खान हारेगा फिर तो, बिल्कुल हारेगा 100%, या तो सीट BSP की रही शुरू थे, यहाँ तो अर्जुन सबसे पहले बिशन लाल सैनी जी जीत का है इस सीट के ऊपर, जगाधरी सीट के ऊपर, फिर उसके बाद यहाँ से अर्जुन सिंह जीत का है, फिर उसके बाद यही अकरम खान जी जो खड़े हैं आज कांग्रेस में ये जीत का है, यहाँ तो जो कि BSP में आ गया ना वो जीतता होगा 100%, और एक और इस हल्के का एक सच्चाई और भी है जो BSP में चले गया ना वो आज तक जीतते नहीं, कहीं भी चले गया वो जीतते नहीं। अच्छा जी, हाँ ये तो BSP का गढ़ है यह सीट, तो यहाँ की सीट तो 100% BSP जीतता की, इसमें कोई रह नहीं सकता बिल्कुल भी, अकरम खान हारेगा चुनाव, बिल्कुल हार जाएगा जी, कोई मैं कह रहा दर्शन लाल खेड़ा जो है ना अब की बार 80,000 वोट लेकर जाएगा कम से कम। एक बात बताओ, जिस टाइम अकरम खान यहाँ थे BSP से विधायक था उस टाइम जो है थारा दलितों का तो करया होगा काम जी, कुछ नहीं करया, मैं सच्चाई बता रहा आपनों, मेरे गांव में आ गया मैं आपनों बात बताऊं इसकी, हमने वोटा पाई इसको, और वोटा पाने के बाद जोन से इसके अपने चहेते थे वोट लेने तो आया था दलितों के बार मायो समाज में, और जिस टाइम जोन से अपने इसके चहेते थे ना धन्यवाद करना उनके घरों गया था। दर्शन खेड़ा जीत रहा आपके हिसाब से? दर्शन खेड़ा 100% जीतता हुआ, 100% जीतता हुआ, 101% जीतता हुआ बल्कि, है ताऊ बिल्कुल सही बात है, दर्शन खेड़ा जीत रहा, दर्शन खेड़ा। अच्छा देख ले कभी कुछ ऊपर नीचे होता होगा, तो जन की पार्टी है इसने तो अमन कुमार नागरा जिता दिया था। हाँ जी, अरे जाट कहाँ जाट, तो सारे कोई भाजपा गेल फिर रहा कोई कांग्रेस गेल फिर रहा, तो केला दिखा मुझे, केला नहीं जी यो भी खड़ा देखे नल्लो का। अच्छा हरिजन है? अच्छा अर्जुन जाट जो से है ना, नहीं बड़े चार हो, नहीं तो सब कोई जंग खा जाएंगे मीट मारते नहीं पते, अब वक्त तो नहीं पावांगे। अच्छा इन्हें तो भाजपा कांग्रेस वालों से जाट जो है मतलब खा पी रहे, बस खा रहे पी रहे मौज कर रहे, जिसने घरों देसी भी नहीं मिला तो अंग्रेजी पी रहे। हाँ जी देख ले जाकर सामने ना दफ्तर में भी पी रहे, मुझे तो दिखा है यू हाल तेरा है दिखे जो जाटो को बता रहा ना जी है? ना जी दफ्तर में जाकर पता कर लो, एक महीना चल देना है जो एक बोतल भी लियो अपने पल्ले से खर्चा कर रहा। अपने कल्ले से खर्चा कर रहा जी। अच्छा हाँ जी पूछ लो एक बार कर लो वहां जाकर और सामने करो, यो ऐसा नहीं है जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी। नहीं जी एक बात और है, जो से मेरी गिल मेरी कार में है ना हरिजन एक दो भाई उनके भी अपने पल्ले से पलाऊ, उन पूछ लो किसी से ये खड़ा। अच्छा नु बता बैर था आया कहीं था किसी विधानसभा का? इसी विधानसभा का गांव चाड़ो में है, किसान सलाहकार का अध्यक्ष हूं रहेगा इनेलो का।
किसान सेल का अध्यक्ष हूँ। कुछ वोट भी दिलवा दोगे? नहीं वोट और वोटी बात तो फिर रहे जी और कम शराबा किन्दे फिर एक की तरी हो दस पाल की तरी और की तरी जो उनसे फिर रहे ना मैं मुर्गे खावा था ना जी और हम तो दाल रोटी खावा दाल रोटी दर्शन खेड़ा जी को आप अपने गांव में से जाटो के कितने वोट दिलवाए सको मैं पूछ रहा हूं। राम करवाई दिया हमने तो जी वो परिश्रम जिता कर लेवांगे अपने गांव में से दर्शन खेड़ा ना अपने गांव में से जिता कर लेवांगे। अच्छा आप जो है चौटाला साहब के मतलब वो जो पार्टी है उससे हो? हाँ जी। अच्छा इसका क्या होगा जेजेपी का? क्या जेजेपी एक बात बताऊ चलो फिर आप कहाँ गए इंटरनेशनल बात करा पर करने थोड़ी सी दुष्यंत चौटाला का। हाँ मैं बता रहा जी जो पार्टी इस बीजेपी में लड़की वो कनाश कर दिया। अच्छा। हाँ पूछो किसको बंसीराल लड़ा था उसका नाश कर दिया भजनलाल के छोकर लड़े उसका नाश कर दिया जे जी पी लड़ी उसका नाश कर दिया एक ओम प्रकाश चौटाला ऐसा आदमी है जिसके कब्बू नहीं आया। अच्छा। बीजेपी के जो कब्बू नहीं आया यानी जो किस्म लड़ गया उसका नाश कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला दो फिर लड़ा इसका नहीं करा चौधरी देवीलाल वो भी टह दिया था भजनलाल उस टाइम बीजेपी में था और भजनलाल ना भी सरकार तोड़कर देवीलाल की और भजनलाल मुख्यमंत्री बनाए जाते ना बीजेपी वाला जो मतलब इतना साधारण आदमी था देवीलाल आपने तो पता होगा इसके बारे में। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।